मैं एक जुमला कहकर सीरत के उन्वान से दो चार बातें अर्ज करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया और आपको दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा और जो वक्त मिला जिंदगी में तबलीग का रिसालत का वो सिर्फ 23.5 बरस में, इससे पहले 40 बरस का जो दौर है कबल ऐलान नबूवत, उस दौर में नबूवत की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई ना कुरान की ना कोई हिदायत की, हुजूर के ने कोई बात नहीं की। वमा कुंत तदरी मल ईमान वलल किताब, अल्लाह खुद फरमाते हैं। लेकिन 40 बरस गुजारे या नबी की जिंदगी अबस नहीं होती, नबी की जिंदगी अबस नहीं होती, उससे कोई उसको यूं ही पैदा नहीं किया जाता। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, अल्लाह पूरी कायनात को अबस पैदा नहीं किया, एक पत्ता भी अबस नहीं, कोई ना कोई हिकमत है जो हम जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो नबी की कैसे 40-40 साल अबस नहीं, इन 40 बरस में अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को दिखाया कि मैं जिससे नबूवत का काम लूंगा उसकी हिफाजत बगैर सरोसामानी बगैर किसी सरपरस्त के मैंने उन्हें गुनाहों से कितना दूर रखा, और इसकी सीरत की कैसी तकमील फरमाई कि उसी को बुनियाद बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को आगे बढ़ाया और सबसे पहले अपनी इस 40 साल जिंदगी के दौर को दुनिया के सामने पेश करते हुए ऐलान फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मेरी 40 साल जिंदगी को नहीं देखते कि मैंने कैसे गुजारी है, और 40 साल के बाद मैंने कुछ बात नहीं की और यकायक एक बात कर रहा हूँ। 40 साल किसी लम्हे बचपन जवानी उधेड़ उम्र तक मैंने मेरी जबान से सिवा हक के सिवा सच के और सिवा दयानत के और कोई बोल और कोई तोल सामने नहीं आया। तो आज मैं एक बात कह रहा हूं तो तुम मानोगे, अपने अकल को सोचो कि 40 बरस हमें रहने वाला बच्चा भी है जवान भी होता है बूढ़ा भी होता है, तिजारत भी करता है निकाह भी करता है शादी भी करता है खेलता भी है फैसले भी करता है सब कुछ है, लेकिन सिवाय सदाकत के और दयानत के उससे कुछ साधन नहीं। तो आज जब तुम ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ मुझे मानोगे तो दुनिया और आखिरत के खजाने तुम्हारे पाँव में आएंगे, नहीं तो रांधा दरगाह हो जाओगे, जैसे आद व समूद किस्से फारीना बन गए तुम भी वैसे हो जाओगे। लोग कहते हैं ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसी बात कर रहा है, हुजूर अपनी जिंदगी को पेश करते हैं और पेश करके अपने अपने बुजुर्गों के सामने ऐलान होता है इरशाद होता है कि वह अंजर आशीरा तक अतरबी, अपने अजीजों को डराओ उस दिन से। तो आप इकट्ठे करते हैं फूफियों को और चचाओं को और फारान की चोटी पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुम में रहा हूं 40 बरस मुझे कैसे पाया, तो वो सब कहते हैं कि हमने सिवाय सच और दयानत के आए सिद्क और दयानत के आपसे और कुछ नहीं करेगा। तो फरमाया अगर ऐसी बात है तुम मुझे अगर सच्चा समझते हो तो मैं अगर तुम्हें कोई बात बताऊं और तुम्हें खबर दूं मानोगे, कहते क्यों ना मानेंगे,
फरमाया कि देखो मेरे पीछे, मैं ऊपर खड़ा हूं, मैं पीछे देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे। तो मैं अगर ये कहूं कि पीछे एक लश्कर जो तुम पर अभी हमला करने वाला है, मेरी बात मान लो? सबने कहा मानेंगे, क्योंकि आप हैं सच्चे, सच्चे की बात मानी जाती है। तो उनमें से एक उठा और उठकर देखा उसने, आगे भी एक देख, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं मान लूंगा, अपनी आंखों को जुटलाऊंगा, तेरी बात को मानूंगा।